एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट निकल कर आ रही कि यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 3 दिनों तक इन जिलों में होगी भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी। तो चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश होगी और किन किन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को अंत तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर भारत में मानसून सक्रिय होने के साथ ही बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक आज कई इलाकों में भारी बारिश होगी, कई इलाकों में तो भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इससे पहले मौसम विभाग ने 44 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया था। प्रदेश में बारिश के साथ ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। आईएमडी के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश होगी और 3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर झमाझम बारिश होती रहेगी। प्रदेश में आज हल्के बादल छाए रहे, लेकिन आपको बता दें कुछ जगह बरसे, कुछ जगह नहीं बरसे, लेकिन मौसम अचानक कब बदल जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। इसी बीच आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही है कि जहां एक तरफ बारिश के इंतजार में बैठे किसान फसल की बुवाई को लेकर खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नदियों के आसपास के गांव के लोगों में बाढ़ आने का खतरा डर बढ़ गया है। बाढ़ की वजह से हर साल प्रदेश में भारी तबाही मचती है। 2-3 दिन बाद आपको बता दें, 2-3 बारिश होने के बाद आपको बता दें प्रदेश की कई नदियां उफान पर आ जाती हैं। हालांकि अभी तो बारिश की वजह से प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश में इस बार मानसून काफी देर से आया है और कुछ देर तक रुकेगा भी। इसी बीच आपको बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। अभी तक कई दिनों से बारिश होने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ का भी मौसम सुहाना बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा प्रदेश के करीब 40 से अधिक जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई जनपदों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ के अलावा प्रदेश के पूर्वांचल तथा पश्चिमांचल के कई जनपदों में भी अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान पूर्वांचल के ज्यादातर जनपदों में भी उमस भरा माहौल रहने का अनुमान है। वीडियो के आखिर में चलिए जानते कि यूपी के कुछ प्रमुख जिलों में मौसम कैसा रहेगा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 35 से न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है। बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में अधिकतम तापमान 35 से न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हल्के बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ 1-2 बार भारी बारिश होने की संभावना है। बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी बादल छाए रहेंगे, कुछ समय के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बात करें अगर गोरखपुर की, तो गोरखपुर में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में यहाँ भी बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।